हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीपी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो काफ़ी सालों से रिपीटेडली आ रहे हैं, जिनके चांसेस हैं कि वो इस साल भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फीचर्स कितने रहते हैं। अब आपको इस आंसर में सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको प्रॉपर मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको इसमें मैनेजमेंट के जो सात फीचर्स हैं, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट, इज परवेसिव मैनेजमेंट, वर्क्स इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, उसके बाद फिर मैनेजमेंट कंटेन्स लाइक कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन दैट इज प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। तो ये सारे फीचर्स की हेडिंग्स अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशन लिख कर आएंगे। अब देखिए, एमसीपी के पेपर में थ्योरी बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको अपने क्वेश्चंस आंसर्स को अट्रैक्टिवली आंसर करना है, जिसमें आपको अपनी प्रेजेंटेशन का बहुत खास ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बना कराने, जितने ज़्यादा बच्चे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे उतने आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें सात पॉइंट्स हैं आपके। सबसे पहला क्या उसमें पॉइंट है, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रमाइसिस, आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, evaluating various courses of action, selecting the best course of action, then implementing the plan and follow up the action. अब इसमें अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप पहले प्लानिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये आप एक दो डेफिनेशन लिखेंगे प्लानिंग की, उसके बाद आपको स्टेप्स का फ्लो चार्ट बनाना है और फिर आपको अच्छे से स्टेप्स सारी एक्सप्लेन करनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने टेलर के और फियोल के प्रिंसिपल्स बहुत ही डिटेल में अपने वीडियोज़ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो वाले वीडियोज़ रेफर करिए। 14 प्रिंसिपल्स हैं फेयॉल के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे टेलर के भी, तो उन प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन है वो या तो डायरेक्ट भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल द 14, और आपको एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, अब ये वाला प्रिंसिपल समझाएं, ये वाला प्रिंसिपल समझाएं। तो सारे प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि हर एक प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरीके से आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आंसर करना है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी हम लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, किसी और से बेटर होने के लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये डायरेक्टिंग वाले चैप्टर का आपका पार्ट है। लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों ही डायरेक्टिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लीडरशिप का मतलब टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप की तीन स्टाइल्स होती हैं हमारी। ऑटोक्रेटिक लीडर, मतलब जो डिक्टेटरशिप वाला लीडरशिप रहता है, लीडर रहता है जो चाहता है कि सारा काम उसके हिसाब से हो, एम्प्लॉयज़ का जिसमें कोई भी से नहीं होता है, दैट इज़ ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। सेकंड होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें जो लीडर है वो एम्प्लॉयज़ के पॉइंट्स को कंसिडर करके डिसीजन लेता है, मतलब वंस यू एक्नॉलेज द एफर्ट्स, एक्नॉलेज द डिसीजन ऑफ द, एक्नॉलेज द ओपिनियंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड देन टेक द डिसीजन, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और जिसका दूसरा नाम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी होता है। थर्ड आपका रहता है फ्री स्टाइल लीडरशिप। फ्री स्टाइल मतलब क्या, जिसमें एम्प्लॉयज में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने बस एक बार टारगेट दे दिया, अब एम्प्लॉयज को जिस तरीके से अपना काम करना है, जितने बजे काम करना है, जैसा करना है उस तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहने वाला एम्प्लॉयर का यहां पर, दैट इज फ्री स्टाइल लीडरशिप। तो ये तीन लीडरशिप स्टाइल्स हैं। देन यू हैव मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब बेसिकली किसी की ड्राइव को स्टिमुलेट करना ताकि वो उस तरीके से काम करे जैसा आपको चाहिए। जैसे काम में आप किसी को मोटिवेट कैसे करोगे, आप अच्छा उनको इंक्रीमेंट दोगे, प्रमोशन दोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। पर्क्स जो आप देते हो, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। हम लोगों ने इसमें इंसेंटिव भी पढ़े, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव। हम लोगों ने मैस्लोस की थ्योरी भी पढ़ी है अपने वीडियोज़ में, तो आप इस आंसर में वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने जैसा स्टैंडर्ड में सेट किया था वैसा हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि नहीं, और अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डेविएशंस फाइंड आउट करके हम उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर आपका डेविएशंस को ठीक करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, जिसमें आपका एक रहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है एग्जाम में। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स आप सिर्फ सिलेक्टेड जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, वो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट तक लेकर जाते हैं, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट मेन एक्टिविटीज़ और कोर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे पाए। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मींस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर काम को ऑब्जेक्टिव वाइज डिवाइड कर देते हो। जैसे सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव हो, सेल्स मैनेजमेंट ध्यान देगा उस चीज़ के ऊपर। फाइनेंस रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस पूरा डिपार्टमेंट है वो ध्यान देगा। तो जब आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव।
नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कोऑर्डिनेशन में बेसिकली सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ चले, सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन के साथ चले, मतलब उनके जो एफर्ट्स है वो सिंक्रोनाइज हो जाए. तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में कीवर्ड आपको लिखना है सिंक्रोनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑल द डिपार्टमेंट्स इनटू वन गोल ओनली, दैट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हमारे वीडियोस में, आप चाहे तो वो वाले पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाकर. तो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ MCP. आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको रेफर करने के लिए. Fine. So, I hope all the questions are clear to you. All the best for your exam. Thank you for watching the video.